मांगा फॉरेस्ट पार्क। दोस्तों ये मेन गेट है, ये जंगल ही है हर तरफ, पता तो चल ही गया होगा, चंगा मांगा जंगल। और ये जंगल कैसे बना है, कुछ कुदरती जंगल होते हैं तो आज हमें मोराम साहब बताएंगे थे ये जंगल कैसे बना इतना बड़ा। ये जंगल हमारे एशिया का सबसे बड़ा हाथ से लगाया हुआ जंगल है, जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ये कितना बड़ा जंगल है, इसके अंदर कोई अंदाजा नहीं, तकरीबन 12 से 13 गांव है इसके अंदर जो मैंने विजिट किए हुए हैं। इस जंगल में 12 से 13 गांव, इसके अलावा यहाँ जंगल की कुछ जगह जो कि कम हो गई है जंगल की, वो कैसे हुई है? आपके कोया असल के एक शख्स जो कि रोज सुबह आकर यहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं, वो कौन है? नहीं, एक शख्स नहीं, तकरीबन 12 गांव में बता रहा हूँ, तो 12 गांव के लोग यहाँ से लकड़ियाँ लेके जाते हैं। जी, 12 से 13 गांव के लोग लकड़ियाँ लेके जाते हैं। तो इस पर पाबंदी है या नहीं? बस लोग मिले होते हैं आपस में, मिली भगत है। तो जिनमें हमारे AK साहब AK-47 भी हैं, जो हमारे कुलीग भी हैं, कुलीग भी हैं, और वो यहाँ से रोज सुबह लकड़ियाँ काट कर लेकर जाते हैं। और ये पूरी झील है, और इसके दरमियान जो कि काफी बड़ा एरिया है, ये भी जंगल का है। और यहाँ पर ये कश्तियाँ देखे चलाई जाती हैं, और इस तरफ से आने वाली है कश्ती। छोटा मीनार है पाकिस्तान, लाहौर वाला बड़ा है। मांगा मांगा की ट्रेन है, ये पूरा जंगल का राउंड करती है। किसी ने जाना है तो सफर पर कश्ती खाली है और आप जा सकते हैं। तेल बहुत महंगा हो चुका है ना, ये जर पे चलाई जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी कश्तियां कहीं पर बंद हो सकती हैं। यहाँ पर नहाया भी जा रहा है, झील के साथ ही एक छोटी नहर जा रही है। ये है छंगा मांगा जंगल। तो आज के लिए वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।